पाक नेवी जापान, ओमान, रूस और अमेरिकी बहरी बेड़ों के साथ दो तरफा मशकें कर रही है। पाक बहरिया ने पीर के रोज़ जापान, ओमान, रूस और अमेरिका की बहरी अफवाज के साथ बाहमी बहरी मशकें की ताकि बाहमी तआवुन को बढ़ाया जा सके और इलाकाई समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए बाहमी तआवुन की कोशिश को बढ़ाया जा सके। पाक बहरिया के जहाज़ आलमगीर ने हेलीकॉप्टर के साथ जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स शिप एरिक, रॉयल ओमान नेवी शिप खसाब, रूसी फेडरेशन के नेवी शिप स्टॉकी और कोला और अमेरिका के बहरिया के जहाज़ जॉन पॉलिस जॉन्स के साथ खलीज उदन में दो रोज़ा मशकों में हिस्सा लिया। पाक बहरिया की एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इन मशकों का मकसद खित्ते में समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए बाहमी तआवुन को यकीनी बनाना है। PNS आलमगीर इस वक्त खलीज उदन और शुमाली बहर अरब में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के लिए तैनात है। ये गश्त पाकिस्तान बहरिया के इकदाम के तौर पर इलाकाई समंदरी तहफ़ के लिए तआवुन करने और समंदरी दहशतगर्दी, बहरी कजाकी और असले की स्मगलिंग को रोकने के लिए बैन अवी कोशों की हमायत के लिए किए गए हैं। पाक बहरिया खत्े में समंदरी तहफ़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरजम है। PNS आलमगीर के जरिए जारी RMSP की तैनाती और दो तरफा मशकों में शिरकत पाकिस्तान दोस्त बहरिया के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने और बहरिया के अमन व अमान को यकीनी बनाने के अज़म की गवाही देता है।